SBS News, सच का साथी। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ स्थित इको गार्डन में विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर कर्मचारियों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख रूप से ठेका कर्मचारी, आंगनबाड़ी आशा कर्मचारी, रसोई कर्मचारी, शुगर पीपर, इन कृषि विभाग, निर्माण मजदूर, रेल डाक विभाग, परिवहन विकास विभाग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि मुख्य रूप से जिसमें भी कर्मचारी मजदूर काम करते हैं उनके लिए मुख्य रूप से यह रैली। न्यूनतम 18,000 प्रदेश सरकार ने भी कहा था, सरकार ने भी कहा पहली मांग हमारी यही है। ये बताइए, इससे पहले भी आप कहीं पर धरना दे चुके हैं? मंडल लेवल पर, प्रदेश लेवल पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन, प्रदेश महामंत्री को संबोधित ज्ञापन। आज आप ये धरना दे रहे हैं और अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई अधिकारी या शासन प्रशासन से कोई आया आपके पास? मुख्यमंत्री जी का संदेश आया है कि हम आपकी समस्याओं पर विचार करने के लिए 6 बजे आप आइए। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार मानेगी, नहीं मांगेगी तो फिर आगे आंदोलन करेंगे। क्या इसका असर आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? चुनाव में तो सरकार जो करेगी तो उसके कर्मों का फल मिलेगा। अगर मजदूरों के साथ अच्छा करती है अच्छा भी मिलेगा, नहीं करती तो उसका हमें भुगतना पड़ेगा।